हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल पालक की रेसिपी। बिल्कुल ही ढाबे पे मिलती है ऐसी थोड़ी सी स्पाइसी और बिल्कुल ही डिलीशियस दाल पालक की रेसिपी। फ्रेंड्स, आप ना इसे चावल के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो खाने में और भी मज़ेदार लगती है। घर पे बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तारास किचन में आपका स्वागत है। तो दाल पालक के लिए हम लेंगे 1 कप भर के मिक्स दाल। आप जो चाहे वो दाल ले सकते हैं। अगर कोई दाल है जो आप नहीं खाते तो उसे ना ऐड करें। मैंने यहाँ पर पीली मूंग दाल और मसूर दाल ली है। इसे हमने अच्छे से धो लेना है और आधे घंटे के लिए दाल को भिगो के साइड में रख देना है। पालक भी काट ले, इसे अच्छे से धो ले और इसे भी साइड में रख दे। दाल को हमने अच्छे से कुकर में सीटी लगा ली है। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके हमने दाल को अच्छे से सीटी लगा ली है। तो अब कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे, साथ ही में जीरा, और ऐड करेंगे हम ग्रीन चिली। तो ये दाल पालक बिल्कुल ही क्विक आधे घंटे में बन जाती है दोस्तों। चिली ऐड करेंगे हम, इसे थोड़ा सा हम सौते करेंगे जिससे कि चिली का जो टेस्ट है वो अच्छे से बैठ जाए। आधा कप भर के बिल्कुल ही बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में जिंजर और गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम फिर से सौते करेंगे। इसी स्टेज पर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी दाल है ना वो थोड़ी सी तीखी भी लगेगी और उसका जो कलर है ना वो भी इन्हेंस होगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ऑनियन हमारे अच्छे से कुक हो जाए इसके लिए हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और हरा धनिया भी ऐड करेंगे। हरा धनिया इस स्टेज पर ऐड करने से ये होगा कि जो दाल का टेस्ट है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो हरा धनिया ऐड कर दे और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। बिल्कुल ही स्लो गैस पर इसे अच्छे से चलाते जाएं जब तक कि प्याज है वो अच्छे से कुक ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से गल गई है। तो इसी स्टेज पर हम बिल्कुल ही बारीक कटे हुए आधा कप भर के टमाटर ऐड करेंगे और फिर से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब ऐड करेंगे हम सारे मसाले। गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, पिंच ऑफ हींग भी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके घर में जैसे भी कम या ज़्यादा मसाले पसंद करते हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ज़्यादा या कम मसाले ऐड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये लीजिए, हमारा अच्छा सा दाल का जो तड़का है वो भी तैयार है। आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज दोनों ही अच्छे से गल गए हैं। तो अब ऐड करेंगे हम पालक। पालक को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक कि पालक का कच्चापन ना निकल जाए, पालक अच्छे से गल ना जाए, तब तक इसे हम कुक होने देंगे। तो ये लीजिए, हमारी पालक अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हो। तो अब ऐड करेंगे हम दाल। दाल में थोड़ा सा पानी ऐड करके हैंड ब्लेंडर लगा ले और उस दाल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो बिल्कुल ही स्मूथ और ढाबे के जैसी दाल हमारी बनकर तैयार है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे, तड़का बनाएंगे। तड़का पैन में हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है, जीरा ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे हम यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2 लाल सूखी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ती और थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग भी ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से दाल के ऊपर जब हम तड़का देंगे ना तो उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये लीजिए, हमने तड़का अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम दाल के ऊपर
अच्छे से पोर कर देंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल ही डिलीशियस ढाबा स्टाइल थोड़ी सी स्पाइसी दाल पालक हमारी बनकर तैयार है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दाल अच्छी लगी होगी, ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे बताना ना भूले कमेंट में कि आपको ये दाल कैसी लगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।